हेलो गाइस, आशीष यह फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन में ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। इंडिया में मैक्सिमम लोग ट्रैवल ट्रेन से ही करते हैं और अब वो जमाना नहीं रहा कि हम कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि भाई ट्रेन कहाँ पहुँची। तो वो ज़माना नहीं रहा, अब एप्लीकेशन पे सब कुछ पता चल जाता है। और अब ट्रेन में भी GPS ट्रैकिंग लग गई है जो कि रेलवेज ने खुद ने लगाई है, तो आपको रियल स्टेटस पता चल जाता है। तो यहाँ आपको मैं 3 एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे कि आप लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने ट्रेन का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पर ऐसे छोटे छोटे वीडियोज के लिए। आइए शुरू करिए। तो यहाँ मेरे पास 3 एप्लीकेशन है। पहला तो एक्जिगो का एप्लीकेशन है जो कि मेरा फेवरेट है और मैं इसे बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है रेल यात्री, और जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है NTES जो कि रेलवे का ऑफिशियल ऐप है लाइव स्टेटस या PNR चेक करने के लिए, अवेलेबल है ऐप स्टोर पे गूगल के। तो मैं एक्जिगो से शुरू करता हूँ। तो ये एप्लीकेशन आप लॉन्च करिए, उसके बाद यहाँ पे जब आप पहली बार करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। उसका फायदा इतना ही है कि जब भी आप कोई ट्रेन बुक करेंगे और उसका SMS आएगा तो वो सारा ट्रिप आपका रिकॉर्ड कर लेगा और लाइव स्टेटस वगैरह आपको बताता रहेगा। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे थे रनिंग स्टेटस की, लाइव स्टेटस ट्रेन की। तो आप कोई भी ट्रेन नंबर यहाँ इनपुट कर सकते हैं या तो ट्रेन का नाम इनपुट कर सकते हैं, जो भी आप डालेंगे उस हिसाब से सर्च रिजल्ट आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ट्रेन का स्टेटस दिखा रहा है कि एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो यहाँ ट्रेन का नंबर और नाम है, ये आज के ट्रेन का स्टेटस। यहाँ आप टैप करेंगे तो आप पुराने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं जो भी अवेलेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेन के सारे स्टॉप्स की लिस्ट है, वो कितने बजे पहुँचना चाहती थी और कितने बजे पहुँची, इसका डिटेल आपको मिल जाता है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड डिलेज वगैरह का भी आइडिया आपको लग जाता है। अगर आपको एक ओवरव्यू देखना है तो ये जो नीचे आइकन दिया हुआ है इसको टैप करिए और ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट दिखा देगा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये कहाँ तक पहुँचा है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कितना मिनट डिले है, हॉल्ट कितनी देर का, ये सारा पता चलता है। इससे फायदा इतना ही होता है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टेशन का अलार्म भी सेट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश करेगा और जो लाइव स्टेटस करंट स्टेटस है उसको यहाँ दिखाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे एप्लीकेशन रेलवेज का ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट को प्रोग्रामेटिकली यूज कर रहे हैं और वहीं से ये सारा डेटा पुल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिले एक्सपेक्टेड है। अब जो नेक्स्ट ऐप है वो है NTES ऑफिशियल ऐप रेलवे का। इसमें आपको बहुत सारे क्विक ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रेन फाइंड करने का, लाइव स्टेशन के बीच में कौन कौन सी ट्रेन है, ट्रेन का स्केड्यूल क्या है, ट्रेन स्टेशन के बीच में कौन कौन सी है, कैंसल ट्रेन कौन सी है, रीस्केड्यूल ट्रेन कौन सी है, डाइवर्टेड ट्रेन कौन सी है। अगर आपको कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। लाइव स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे जाइए और यहाँ आप ट्रेन नंबर टाइप कर सकते हैं। आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके रिसेंट में आ जाएगा ताकि आपको बार बार खोजना ना पड़े। जब मैं रिसेंट पे टैप करता हूँ तो ये उस ट्रेन का स्टेटस दिखाता है, किस स्टेशन पे आप टैप करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर शो स्टेटस दबाइए और ये आपको दिखा देगा कि इसका डिले कितना है, स्केड्यूल कितना है, लास्ट अपडेट कब हुआ था, कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन है। आप चाहे तो इसको मैप में भी ओपन कर सकते हैं जो कि बहुत ही कूल फीचर है मेरे हिसाब से, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अब जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है रेल यात्री। रेल यात्री और एक्जिगो के बारे में एक चीज आपको और बता दूं कि इसमें सब में एड्स आता है, सारे एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी उसमें आपको ऐड दिखाया जाएगा, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। फंक्शनैलिटी नो डाउट बेटर है ऑफिशियल ऐप से, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं आपका ट्रेन स्टेटस का ऑप्शन है, तो आप ट्रेन स्टेटस पे टाइप करिए, यहाँ पे आप ट्रेन का नंबर टाइप कर सकते हैं, कंटिन्यू दबाइए और आप देख सकते हैं कि ये उस ट्रेन का लाइव स्टेटस पता कर रहा है, कितना डिले है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहा है। टाइम टेबल भी आप चेक कर सकते हैं, कोच का पोजिशन चेक कर सकते हैं। एक चीज जो इस ऐप में अच्छी है वो ये है कि ये जो टैब वाला सेक्शन दिया है कि आप सब कुछ एक जगह चेक कर सकते हैं, वो चीज इसमें बढ़िया है नो डाउट। तो आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने ट्रेन के लाइव स्टेटस को चेक कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पे। इन तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए या आप तीनों ही ट्राई करिए और देखिए कि आपको कौन सा सूटेबल होता है, उस हिसाब से उसको यूज करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।